एवरीवन, मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक आइस मेकर। ये है अगारो रीजेंसी आइस मेकर, जिसमें आप इंस्टेंट आइस बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगारो रीजेंसी आइस मेकर जब आपको नया मिलेगा, तब इसके ऊपर एक शीट लगी हुई होगी ब्लू कलर की। तो आपको इसे निकालना है यूज करने से पहले। सबसे पहले मैं इसे हटा रही हूँ और उसके बाद हम देखेंगे आइस मेकर कैसे काम करता है और इसके फीचर्स। तो ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और दिखने में काफ़ी स्टाइलिश है। इसके अंदर जो वाटर टैंक है वो 2.2 लीटर कैपेसिटी का है और अंदर आप जो रॉड्स देख रहे हैं, यहाँ आइस बनती है। वाटर में मैक्सिमम लेवल मार्क किया गया है, इससे ज़्यादा आप पानी इसमें नहीं डाल सकते। और साथ ही में आइस कलेक्ट करने के लिए एक बास्केट भी है। यहाँ है ऐड वाटर इंडिकेटर, फिर आइस फुल हो जाए तो उसके लिए इंडिकेटर, और ये है पावर बटन। पावर बटन से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक बार ऑन ऑफ कर लेंगे तो उसके बाद जो आइस का साइज है वो एस या एल, यानी स्मॉल या लार्ज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से दोनों में से एक साइज आप सिलेक्ट करें। एक बार साइज सिलेक्ट करने के बाद फिर से पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये है आइस का स्कूप, जिससे आप आइस को स्कूप करके निकाल सकते हैं। इसमें आपको मिलेगी ये पावर केबल, जिसमें 16 एम्पियर का प्लग है। अब देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पानी। आप नॉर्मल पानी इसमें यूज कर सकते हैं या फिर ठंडा पानी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैक्स लेवल दिया गया है, उससे ज़्यादा पानी इसमें आप ना भरें। अब इसमें रखें बास्केट और फिर ढक्कन लगा दें। पावर ऑन करें और उसके बाद एक साइज सिलेक्ट करें। सबसे पहले मैं एस यानी स्मॉल साइज की आइस बना रही हूँ। आप देखेंगे कि कुछ समय में ही, लगभग 9 मिनट के करीब, इसमें बर्फ़ जम जाएगी और ये आ जाएगी मेन बास्केट में कुछ इस तरह से। जब आइस फुल हो जाएगी तो आइस फुल का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। एकदम अच्छी आइस बन गई है। ये आइस मेल्ट भी हो सकती है अगर आप ज़्यादा देर रहने देंगे, क्योंकि ये आइस मेकर है, फ्रीज़र नहीं है। अगर आपकी इतनी अच्छी आइस नहीं बनती है तो आप कुछ 17-18 घंटे इस मशीन को शुरू रख सकते हैं, जस्ट लाइक योर नॉर्मल रेफ्रिजरेटर। ये आराम से कंटिन्यूस चलाई जा सकती है और आपका जो आइस है वो और बेटर बनने लगेगा। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जस्ट इन केस अच्छी आइस ना बने। ये देखिए, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी बढ़िया बनी है। पूरी बास्केट एकदम बढ़िया आइस से भर गई है। अब मैं बना रही हूँ लार्ज साइज़ की आइस। लार्ज और स्मॉल साइज़ में हाइट का डिफरेंस नहीं होगा, केवल मोटाई का डिफरेंस होगा। तो लार्ज साइज़ में आपको और ज़्यादा मोटी आइस मिलेगी। प्रोसेस सेम ही है, लगभग 13 मिनट इसमें लगेंगे और आपको मिल जाएगी ऐसी लार्ज आइस, मोटी वाली। पार्टीज़ एंड गेट टुगेदर्स के लिए बिल्कुल बढ़िया है। आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ आइस मिलता रहेगा, वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी की आइस, जो काफ़ी देर तक इसमें बनी रहेगी। इसे आप अलग अलग ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे यूज़ कर रही हूँ आइस्ड कॉफ़ी बनाने के लिए। तो बढ़िया सी आइस्ड कॉफ़ी तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। कोल्ड ड्रिंक्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ कोकम शरबत में। और देखिए कितना सुंदर ये ग्लास लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आइस मेकर यूज़ करने के बाद जो बचा हुआ पानी है, उसे नीचे दिए गए इस प्लग से आप निकाल सकते हैं। नीचे कोई एक बर्तन या बकेट रख लें और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है ये निकाल दें। बाकी आइस मेकर आप एक सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं, लेकिन यूज़ के बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकालने का ये तरीका है। तो अपने आइस मेकर को इस तरह से खाली कर लें यूज़ के बाद। आपको अगारो रीजेंसी आइस मेकर के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।